मंडी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ एसपी मंडी सौम्या संभाषवन ने किया। भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात और पूर्व में टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष रहे आईएएस अधिकारी रितेश चौहान इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्गीय पीसी आनंद की स्मृति में पीसी आनंद मेमोरियल ट्रस्ट और मंडी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की तरफ से करवाया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों से आए 170 खिलाड़ी 12 कैटेगरीज में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इनमें अंडर 9 से लेकर मेंस और वुमेन्स ओपन तक के खिलाड़ी शामिल हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह पर पहुंची एसपी मंडी सौम्या संभाषवन ने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं संघ के जिलाध्यक्ष हेमंत राज वैद्य ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की रैंकिंग तय की जाएगी और उसी आधार पर उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। 11 वर्षीय खिलाड़ी अधिराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर बताया कि उन्होंने प्रतियोगिता के पहले दिन गोल्ड मेडल जीत लिया है। प्रोत्साहित और तेज से भरे हुए तो आप पहले से ही हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपने एक ऐसी विधा का चुनाव किया है जिसमें आपने अपनी पूरी ऊर्जा का संचालन किया है। मैं आज इस पीसी आनंद टेबल टेनिस एसोसिएशन की जो ये कार्यक्रम है, ये प्रतियोगिता है, इसको ओपन डिक्लेयर करती हूँ। मैं अंडर 11 खेलता हूँ और मैं आज गोल्ड जीता हूँ, तो इसी खुशी में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि सबको टेबल टेनिस खेलना चाहिए और मेरी तरह चैंपियन होना चाहिए। 28, 29, 30 अप्रैल को जिसका माननीय एसपी मंडी ने विधिवत उद्घाटन किया, 3 दिन चलने वाली चैंपियनशिप में 170 के करीब सारे हिमाचल प्रदेश से बच्चे आए हैं और 12 कैटेगरी में बच्चे खेल रहे हैं। इसमें अंडर 9 से लेके मेंस ओपन और वुमेन्स हैं। इसके बाद इन बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।